कल वाराणसी आ रहे पीएम मोदी। एसपीजी की निगरानी में पीएम के रूट हेलीकॉप्टर से हुआ टच एंड गो रिहर्सल। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जनसभा स्थल के साथ ही रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर तक जिस रूट से प्रधानमंत्री को जाना है उसका जायजा एसपीजी ने बुधवार को दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मार्च यानी कल वाराणसी आ रहे पीएम के काशी आगमन को लेकर जिला पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जनसभा स्थल के साथ ही रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर तक जिस रूट से प्रधानमंत्री को जाना है उसका जायजा एसपीजी ने बुधवार को लिया। इसके साथ ही पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर को टच एंड गो रिहर्सल भी हुआ। उधर कमिश्नर कौशल राज शर्मा, डीएमएस राजलिंगम, पुलिस कमिश्नर बुथा अशोक जैन ने भी अधिकारियों संग आयोजन स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। पीएम के आगमन से पूर्व अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पूर्व शहर कई इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का बुलडोजर चला। सभा स्थल संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और सिगरा के बीच सभी मार्गों के किनारों से अवैध बैनर, केबल, पोस्टर, होर्डिंग इत्यादि को हटाया गया। अभियान के दौरान नगर निगम की प्रवर्तन दल एवं अतिक्रमण विभाग और विज्ञापन विभाग की टीम मौजूद रही। पीएम मोदी कल काशी को देंगे 1780 करोड़ रुपए की परियोजना की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को काशी वासियों और यहां आने वाले भक्तों की काशी विश्वनाथ धाम तक की राह सुगम करने के लिए देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे की आधारशिला रखेंगे। करीब 5 घंटे के प्रवास पर आ रहे पीएम अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 1780 करोड़ रुपए की लागत की 28 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंट स्टेशन से ग्वादोलिया तक 645 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित पैसेंजर रोपवे का शिलान्यास करेंगे। 3.75 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना में 5 स्टेशन बनेंगे। इससे पर्यटकों व तीर्थ यात्रियों को आवागमन में आसानी होगी। नमामि गंगे योजना के तहत 5.5 करोड़ रुपए की लागत से भगवानपुर बनने वाले 55 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और खेलो इंडिया के तहत सिगरा स्टेडियम में 300 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित फेज 2 और 3 के कार्यों का शिलान्यास करेंगे। रोजगार के नए अवसरों के लिए प्रधानमंत्री हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सेवापुरी के इसरवर गांव में प्रस्तावित LPG बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे। भरतरा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 63 ग्राम पंचायतों की 3 लाख लोगों शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 19 पेयजल योजनाओं को समर्पित करेंगे। ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पीएम मिशन के तहत 59 पेयजल योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे।